है कि ये तीनों धर्मों का मिलन स्थली है ये गुफाएं। वो आज भी शीशे की तरह चमक रही है। 245 ईसा पूर्व बना हुआ है। ठोक तंत्र, एक कंप्लीट विजुअल मैगजीन। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जब भी नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हमारी यात्रा शुरू हो गई है गया से 24 किलोमीटर दूर जहानाबाद के सीमा पर बराबर की गुफाएं में, और इस रोमांचक यात्रा का आप आनंद लें। हमने अपनी यात्रा का आधा पड़ाव खत्म कर दिया है। यह सुंदर पहाड़ियाँ और यह सुंदर जो दृश्य देख रहे हैं, दरअसल आज से 2400 साल पहले इन्हीं पहाड़ियों से विजय गाथा भी लिखी गई थी, और एक महान अशोक सम्राट को महान बनाने में यहाँ के कनकन पत्थरों का योगदान है। कहा जाता है कि इन पत्थरों में इतनी शक्ति थी जिससे औजार बनाकर अशोक ने कलिंग युद्ध को जीत लिया। लेकिन कलिंग युद्ध जीतने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। अब वह हथियारों के बल पर दुनिया को नहीं जीतना चाहते थे। वो चाहते थे कि प्रेम, शांति और भाईचारे से इस दुनिया पर राज करें। इतिहास में दर्ज है ऐसा हुआ भी। फिर भी ये बराबर की पहाड़ियाँ उनकी विजय की पटकथा लिखती हैं। इन पहाड़ियों में जो पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर में प्रचुर मात्रा में उम्दा किस्म के लोहे हैं, जिसके कारण ही वह उम्दा हथियार बना पाए थे। अब हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ इंतजार था, बराबर पहाड़ की जो केव है, जो मानव निर्मित केव है। कहा जाता है कि 273 से 236 ईसा पूर्व में अशोक सम्राट के काल में, या कहिए जैन के जो 24वें तीर्थंकर हुए महावीर, भगवान महावीर के काल में इस गुफा को बनाया गया था, जो पूर्णतः मानव निर्मित है। और इसकी जो पॉलिश है, जो गुफा का जो पॉलिश है, वो आज भी शीशे की तरह चमक रही है। जैसा मुझे बताया गया था कि यहाँ आप यहाँ मिलना होगा मुझे यहाँ के गार्ड जो हैं, नंदू पासवान जी। आइए हम नंदू पासवान जी से मिलते हैं और इस गुफा के बारे में बात करते हैं। नंदू पासवान जी, और अब हम लोग आप सभी मेरे दर्शकों को नंदू पासवान जी गुफा की सैर कराएंगे। ये देखिए सर, 245 ईसा पूर्व बना हुआ है, और मैनमेड गुफा है, जो आदमी द्वारा काट के निर्मित गुफा है। ये पूरे पहाड़ आपको ग्रेनाइट है सर, और जो पॉलिश है जो अशोक समय का है सर, और पूरे बाहर से देखिए सर तो लगता है भेल मछली है सर। ये अजीबा कुलिशम प्रदाया के लिए मेडिटेशन करने के लिए बनाया था, साधना करने के लिए। यहाँ दूर दूर से लोग देखने के लिए मेन गुफाएं आते हैं। और जो पॉलिश है, जो चमकीला, जो अभी लगता है सर चेहरा झलकेगा, अगर वो भीतर में सर मेडिटेशन करने के चेम्बर चबूतरा बना हुआ है, जो बैठ के ध्यान लगा सकते हैं सर। आइए सर। एक गुफा के ऊपर एक लिपि लिखा हुआ है, जिसे शंख लिपि बताया जा रहा है। दुनिया में इस लिपि को कोई नहीं जानता है। वाकई जो है से जो शंख के आकार की लिपियां हैं, वो ध्यान से देखने के बाद पता चलता है। ये देखिए सर, लिपि ब्रह्मी से लैंग्वेज पाली है सर। ये लिखा हुआ सर बुद्धि मूल, लिपि ब्रह्मी से लैंग्वेज पाली है। ये लिखा हुआ बुद्धि मूल सर, ये लिखा हुआ मुक्ति, यहाँ मुक्ति भी पा सकते हैं। गुफा को छू के देखने में इतनी चिकनी है, मतलब ये विश्वास करने के लिए अद्वितीय चीज आप लोग देख रहे हैं। ये गुफा अभी भी इसको छूने के बाद शीशे की तरह चमक रही है, और विश्वास नहीं हो रहा है कि आज से मतलब 250 ईसा वर्ष पूर्व इतना सुंदर कलाकृति यहाँ देखने को मिलेगा। आप
जैसे बताया जा रहा है कि ये 700 वर्ष ईसा पूर्व का है और इसमें दो पंछी है, एक शिवलिंग है। इसके बारे में ज़्यादा इतिहास में जानकारी नहीं है और जैसा मुझे यहाँ बताया गया है 19 फीट के चेम्बर बना हुआ है। दूसरा गुफा कहाँ बता रहा है? हाथी लीजिए सबके फोटो होगा सर। हाँ 241 BC है सर। ये लोमस ऋषि का गुफा है, टू हैंड अद्भुत कलाकारी है। हाथियों का एक श्रृंखला इस पर है और हाथी के बीच में जो शिवलिंग बना हुआ है, इसलिए इसे कुछ लोग कुछ हिंदू धर्म से भी जोड़ते हैं, बौद्ध भी जुड़ा हुआ है, जैन धर्म से भी जुड़ा हुआ है। तो यह एक तरह से कहा जा सकता है कि ये तीनों धर्मों का मिलन स्थली है ये गुफाएं। कौन सी लिपि है सर? मोखरी लिपि है। देखिए स्तूपा बना हुआ सर, एलिफेंट है और क्रोकोडाइल है सर, जो लकड़ी काट के अजंता एलोरा में ही दिखाई देता है। ये अशोक के टाइम में अशोक अपने 12वें वर्षगांठ पे बना था, 12वें वर्षगांठ पर अशोक ने बनवाया था और उसी समय ये दो गुफा है, गुफा बीच में दीवार है, इसे काटकर मिलाने का प्रयास किया गया था, लेकिन देखिए क्रेके जाने के बाद इसे मिलाने का जो प्रस्ताव था, जो मिलाने की योजना थी, उसे छोड़ दिया गया। ये ध्यान केंद्र है, मेडिटेशन हॉल है, पूरी गोलाकार। जो पानी पूरे ग्रेनाइट आपको रोके यहाँ चला जाए। दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। ऐसे बराबर पहाड़ में 7 गुफाएं हैं जिन्हें 7 घरवा भी कहते हैं। अगर आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा है, ताकि आगे से आपका ध्यान रखा जाए। धन्यवाद।